ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंदर से मूव करता है, वो दो नेचर है, उसकी पार्टिकल नेचर भी हो सकती है और वेव नेचर भी हो सकती है। ऐसी जो लाइट है या रेडिएशंस हैं उसके अंदर फोटोन्स हैं, और जो फोटोन्स हैं उसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, फोटोन नेचर मतलब पार्टिकल नेचर, और उसको वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और वेव ऑप्टिक्स पढ़ के आए हैं, लाइट की वेव नेचर है तो वेव नेचर भी है और ये पार्टिकल नेचर की तरह भी काम करती है। तो रेडिएशंस की भी क्या नेचर है, दो नेचर हैं, ड्यूल नेचर। तो ये बात बहुत लेट पता लगी थी, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री सुनाई थी कि लाइट का स्टडी करने में बहुत साल लगे, बहुत सालों में सबसे पहले वेव नेचर आया, फिर रे किया, कुछ एक्सपेरिमेंट वेव से एक्सप्लेन किए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट रे से एक्सप्लेन किए गए, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो वेव एक्सप्लेन नहीं कर सकता, रे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ फोटो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका तीसरा चेहरा था लाइट का, रेडिएशन का, जो बहुत लेट 1906 में आया, आइंस्टाइन की थ्योरी से बात पता लगी। ठीक, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने ही इसके ऊपर काम किया था, बहुत पहले बहुत साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम कर लिया था, उनको पता लग चुका था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होते हैं, जब रेडिएशन गिरते हैं तो मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन हवा में आ सकते हैं, ये बात पता लग चुकी थी। पर वो साइंटिस्ट लोग बहुत फेमस थे, ऐसी बात नहीं है, जे जे थॉम्सन और ये सब तुमने सुना हुआ है, रदरफोर्ड, सब ने ये काम किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो इसको ठीक तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली पूरी इन लोगों की स्टडी को एक्सप्लेन करके मैथमेटिकली प्रॉपर एक्सप्लेन किया, इसलिए उसका नाम सबसे ज़्यादा नाम है, तो नोबेल प्राइज भी मिला उसको इसके ऊपर। तो इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, कहानी यहाँ से स्टार्ट है, मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव। ये कहानी सिर्फ इतनी सी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन। अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं और सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एटलीस्ट अपने एटम को छोड़ दे। उस मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ेगा भी और उड़ के बाहर भी आएगा, लेकिन अगर तुम वर्क फंक्शन से कम दोगे तो अपने एटम को छोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ तक केमिस्ट्री में सुना हुआ है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये पेपर में आता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन है, और कंडीशन ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डब्ल्यू नॉट है या फाई नॉट है, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लो। नेक्स्ट है जब एक मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ताकि वो हवा में उड़ के बाहर आ जाए, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है बता देता हूँ, पहले तो ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एमिशन है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर एमिट कर देना, बाहर निकाल देना, हवा में आ जाए, इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के कई तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका है थर्मियोनिक एमिशन। जब वर्ड थर्मो आ जाए मतलब हीट रिलेटेड है, तो क्या करेंगे थर्मियोनिक एमिशन के अंदर, थर्मियोनिक एमिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस को गर्म करेंगे और हीट एनर्जी लेके आपका इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेके मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेके बाहर आ गया उसको क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। नेक्स्ट है फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन होता है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मेटल की सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का तरीका हीट करना, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना, तीसरा तरीका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम क्या करते हैं, रेडिएशंस गिरते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरते हैं, ईएम वेव्स गिरते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरती हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेती हैं और बाहर एमिट होती हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, मतलब दे आर वेरी लो, एमिशन इज वेरी लो, बहुत ज़्यादा नहीं आते, कम आते हैं पर आते हैं। और यहाँ इस चैप्टर में जो मेन फोकस है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फोकस है। ठीक है,
सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन के अंदर क्या कहते हैं कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया मेटल की सरफेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, हिट करके अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, खुद चाहे बीच में फंस गया लेकिन जिसको हिट किया वो उड़ के बाहर आ गया। तो मतलब मैंने टक्कर मारी अपने मेटल के पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, वो तो बाहर आ गया, मैं चाहे बीच में फंस गया तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई पर इलेक्ट्रॉन तो बाहर आया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये सारी एमिशन हम नहीं स्टडी करेंगे, हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, पर वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है।